मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। आप एक बार ये सब्ज़ी को ट्राई करेंगे तो मेरी गारंटी है हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी। इसे अच्छे तरीके से धुलकर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे तरीके से वॉश कर पील कर लिया है। फिर इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। 4 से 5 टमाटर को, मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, इसे भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। 1 कप हरी मटर लेंगे। 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ होगा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया लेंगे। इतना ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और गोभी को इसमें ऐड कर लेंगे। गोभी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्ज़ियों को लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना चाहिए वरना इसका न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस तरीके से तल कर गोभी को हमें निकाल लेना है। अब सेम पैन में हम आलू ऐड कर देंगे और आलू को भी हमें 8 से 10 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। इससे आलू 50% पक भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसके ऊपर भी एक पतली लेयर आ जाएगी ब्राउन कलर की, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। जब ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए या अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को भी हमें तब तक के लिए पकाना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज को भी। जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को आप चॉपर में चॉप कर लें, अगर चॉपर नहीं अवेलेबल है तो आप इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। मसालों को बेसिकली बहुत ही अच्छे से भूनना होता है तभी सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढक दें, इससे मसाला बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। 8 से 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। बीच बीच में आप इसे चला भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मसाला जल सकता है। अब हम इसमें हरी मटर ऐड कर लेंगे। जब इसमें बहुत अच्छा सा ये तेल जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर आ जाएगा, तब इसमें मटर ऐड करेंगे जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा। मटर के साथ भी मसालों को थोड़ी देर तक के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मसाला भुना है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। मसाला भुनने की यही पहचान है कि तेल किनारों पर दिखने लग जाता है। अब हम इसमें जो हमने आलू और गोभी को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मेरी गारंटी है आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं गरम पानी ऐड कर रही हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ में ग्रेवी बनाना हो या उसमें आप पानी ऐड कर रहे हो किसी भी ग्रेवी में, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से क्या होता है कि ग्रेवी गर्म होती है और आप ठंडा पानी ऐड कर देते हैं तो टेस्ट कम हो जाता है। अगर ग्रेवी गर्म है तो आप उसमें गर्म पानी ही ऐड करें, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसे ढक कर हमें
15 मिनट के लिए पका लेना है अच्छे से, ताकि आलू भी अच्छी तरीके से पक जाए और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी तरीके से पक कर मसाले में मिल जाए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, आलू भी गल गया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और जो धनिया हमने काट के रखा है उसे ऊपर से डाल देंगे। फिर से एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं होता है, घर की ही इंग्रेडिएंट से इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं।